अरे यार ये बस कहाँ रह गई, आज तो लेट हो जाऊंगा कॉलेज के लिए, वैसे अटेंडेंस शॉर्ट चल रही है मेरी। ओ, क्या मस्त गाड़ी है, इसमें शक्ल देख लेता हूँ अपनी, वैसे भी 4-5 दिन से शक्ल नहीं देखी अपनी। अबे यार कॉलेज के लिए तो लेट ही हो गई आज, पता नहीं क्या होगा। अरे ये पागल क्या कर रहा है मेरी गाड़ी के साथ, हाँ तोड़ दे तोड़ दे। नहीं 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 दीदी, मैं इसको तोल नहीं रहा था, अपनी ततल दे रहा था। अबे ओ शक्ल देखने के लिए ना शक्ल देखने लायक होनी चाहिए, और तेरे बाप दादा ने भी देखी इतनी महंगी गाड़ी जो तू इसको छू रहा है। दीदी दे दो, मैं आपसे तमीज में बात कर लूँ, आप मुझसे बदतमीजी मत करो। वरना 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 क्या, रुक तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। दीदी आपने मुझे चाटा क्यों मारा? चाटा क्यों मारा, तेरी नौकात मेरी गाड़ी के आसपास भी भटकने की नहीं है, और तू मेरी गाड़ी को छू रहा है, उसको गंदी कर दिया। चल साफ कर उसको, गाड़ी साफ कर मेरी, ये जो पहना है ना सीख उतार और साफ कर, जल्दी साफ कर। अरे मैडम आप ये क्या कर रहे हो उस गरीब के साथ में? एक मिनट, तू होता कौन है मुझे बोलने वाला कि मैं उसके साथ क्या कर रही हूँ क्या नहीं, और वैसे भी उसने ना मेरी गाड़ी गंदी की है तो साफ भी यही करेगा। और तुझे पता है गाड़ी कितने की है? पूरे 8 लाख की। मुझे तो लगता है इसके बाप दादा के साथ तेरे बाप दादा ने भी नहीं देखी होगी ये गाड़ी। मैडम पैसों के नशे में ना आप इतने ज्यादा चूर हो कि आपको ये भी नहीं पता कि बड़ों को सम्मान कैसे देते हैं। और मैडम हाँ माना आपके पास में पैसा है, आप बहुत अमीर हो, पर मैडम पैसों का घमंड ना अच्छा नहीं होता। ओ हेलो, मेरे पास पैसा है तो मैं घमंड दिखाऊंगी, तेरे पास नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी ना तुम दोनों ने मुझे बहुत लेट कर दिया, और मैं ऑलरेडी कॉलेज के लिए बहुत लेट हो गई हूँ। चलो निकलो यहाँ से, और तू हट यहाँ से। लगता है इसकी गाड़ी खराब हो गई, इसकी हेल्प करूं या ना करूं, जैसे इसने मेरे साथ बर्ताव किया था। चल कोई नहीं यार हेल्प कर देता हूँ, कोई भी नहीं दिख रहा ना तो उसके दोस्त के साथ में। अरे क्या हुआ, तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही? तुझे उससे क्या, तुझे बुलाया यहाँ किसी ने? अरे मैंने तो सिर्फ आपकी हेल्प करने की सोची, यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे आपको अकेले नहीं छोड़ता, आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तेरी कोई हेल्प वेल्प, तू निकल यहाँ से। ठीक है जैसा आपको ठीक लगे। अरे यार और कोई तो दिख नहीं रहा इसी से हेल्प। एक्सक्यूज मी, जब तू इतना बोल ही रहा है तो चेक कर दे एक बारी मेरी गाड़ी में क्या हुआ है। ठीक है मैं देख लेता हूँ, एक काम करो तुम गाड़ी खोल दो। ये लो तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई, और इसमें कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बस इसका थोड़ा सा बैटरी का तार हिला हुआ था, और ऊपर से सर्दी है ना तो इसके अंदर जो कार्बोरेटर होता है उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा वगैरह फंसा हुआ था, बाकी इसको ठीक करवा लेना तुम। ठीक है ज्यादा मत बोल, और वैसे भी कोई पहाड़ नहीं तोड़ा है तूने। और एक मिनट ये ले जो तूने काम किया ना उसके पैसे। पैसों का लालच होता ना तो शायद मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता, मैंने हेल्प तुम्हारी सिर्फ इंसानियत की वजह से करी, मैंने देखा तुम यहाँ कॉलेज के अंदर अकेले खड़े हुए और तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई, परेशान हो रहे होगे, सिर्फ इस वजह से मैंने तुम्हारी हेल्प करी। और ये पैसों की ऐड ना मुझे नहीं किसी और को दिखाना, और ये पैसे भी ना किसी और को देना जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, बाकी चलता हूँ मैं। इस गाड़ी को मैं देख के आता हूँ। ठीक है भाई। अबे तू, अच्छा तो तू यहाँ पर मैकेनिक है, तभी मैं सोचू उस दिन एक मिनट में कैसे मेरी गाड़ी ठीक कर दी थी, और उस दिन कॉलेज में तो ऐसे बकवास कर रहा था तू जैसे किसी अंबानी का बेटा हो, अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है, चुपचाप से मेरी गाड़ी देख, खराब है।
अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अरे प्रियंका तुम ये क्या कर रहे हो? मेरा फोन मेरी मर्जी, तुझे क्या है? तो चुपचाप से अपना काम करना। अरे मुझे पता है तुम मेरी वीडियो बना रही हो और तुम कॉलेज के ग्रुप में डाल दोगे जिससे मेरी पूरी बेइज्जती हो जाएगी कॉलेज के अंदर। प्लीज प्रियंका ऐसे मत करो। ओए ये प्रियंका प्रियंका क्या लगा रखा है? तेरी दुकान में जितने भी ग्राहक आते हैं तो उनको नाम से बुलाता है क्या? कॉल मी मैम और चुपचाप से अपना काम कर, बकवास मत कर। ठीक है मैडम। मैम आपकी गाड़ी ठीक हो गई। ये पकड़ अपने पैसे और औकात से ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है आज के बाद, चलें कल। अब तो तेरी वीडियो बना ली, अब देख तेरे साथ क्या होता है कॉलेज में। प्रियंका वो देख कॉलेज का मिस्टर पॉपुलर आ गया। प्रियंका ये तुमने क्या किया? तुमने कॉलेज ग्रुप के अंदर मेरी वीडियो डाल दी, पूरा कॉलेज मेरा मजाक बना रहा है। हाँ तो कॉलेज खत्म होने वाला है तो थोड़ा तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना, क्यों सौरभ? बिल्कुल। देखो प्लीज प्रियंका तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो, पूरे कॉलेज में सब मेरे को मैकेनिक वाला बोल के चिढ़ा रहे हैं, प्लीज डिलीट कर दो। अरे तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें इतना फेमस कर दिया पूरे कॉलेज में। देखो प्लीज तुम मेरी वीडियो डिलीट कर दो नहीं तो मैं प्रिंसिपल ऑफिस में जाऊंगा और तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। मैं तो डर गई। भूल गया अपनी औकात, तेरे साथ में और भी बुरा कर सकती हूँ, चल निकल यहाँ से। ओए मेरी गाड़ी की सर्विस कर देगा क्या? मैकेनिक साला। ओए मैकेनिक उसकी गाड़ी ठीक हो जाए तो मेरी भी करती हूँ, बाइक का ही काम करता है क्या? मुझे तो लगता है इसके बाप दादा के साथ तेरे बाप दादा ने भी नहीं देखी होगी ये गाड़ी। झुक जाए सर जहां वही मिलता है रब का रास्ता। क्या बात है, कई दिन हो लिए नितिन नजर नहीं आ रहा, उसको कॉल करता हूँ। हेलो नितिन बेटा। हाँ दुकान पे आके मिल, तेरे से काम है कोई। हाँ अभी ठीक है बेटा। हाँ जी पापा बोलिए। क्या बात है बेटा, कई दिन से तू नजर नहीं आ रहा दुकान पे। पापा मैं आज के बाद दुकान पर नहीं आऊंगा, मेरे को नहीं करना ये काम वाम। क्यों बेटा क्या बात हो गई? पापा कुछ नहीं, बस कॉलेज के अंदर सारे बच्चों को पता चल गया कि मैं मैकेनिक की दुकान पे काम करता हूँ और हमारी मैकेनिक की दुकान है, तब से ही सारे बच्चे मेरे को मैकेनिक वाला कभी कुछ ऐसे बोल के मेरे को चिढ़ा रहे हैं। बस बेटा इतनी सी बात के लिए परेशान है? एक बात हमेशा याद रखियो, अपना काम अपना होता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। इसी काम की वजह से हमारे घर का चूल्हा जलता है और इसी काम की वजह से तेरी कॉलेज की फीस दी जाती है। और हाँ तेरे को एक बात और बताना चाहूँगा, तू पढ़ रहा है एक अच्छी बात है, पर इंसान को पढ़ाई के साथ साथ अपने हाथ का हुनर भी आना चाहिए। वक्त का पता नहीं कब क्या हो जाए, तो अपने हाथ का काम होगा तो तू अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों को भी अपने माँ बाप को भी देखभाल कर सकता है। ठीक है पापा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, समझ गया मैं, इंसान को पढ़ाई के साथ साथ में हाथ का हुनर होना बहुत जरूरी है। चल ठीक है बेटा अब घर जा, आराम कर ले और कल से अपने काम पे आ जियो और अपने काम को बढ़ा। आज हमारे पास छोटी सी दुकान है, छोटा गैरेज है, कल ये बड़ा कर इसको, अब सब तेरे हाथ में है, पढ़ता भी रहे और अपना काम भी देख। ठीक है। मुझे अब मैं रहता हूँ वही। अबे यार प्रियंके तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ इसमें मैं। अरे यार एक तो इस गाड़ी को भी इस रास्ते में खराब होना था, हम पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे, कुछ तो कर। रुक जा यार सोचने दे। प्रियंका वो देख मैकेनिक का नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ तो जल्दी से कॉल करना यार। चल अच्छा हुआ हमारी गाड़ी ऐसी खराब हुई है जहाँ पे मैकेनिक का नंबर लिखा है। हेलो हाँ जी भैया मैकेनिक बोल रहे हो आप? भैया वो एक्चुअली हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा क्या करें, एक बार आप आके देख लो।
ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड कर देता हूँ, आ जाओ आप। ठीक है भैया, लोकेशन सेंड कर देता हूँ उसको। कहाँ रह गए भैया? यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अबे तू, सौरभ तुझे याद है ये? हाँ भाई, ये तो वही मैकेनिक है जो हमारे कॉलेज में पढ़ा करता था और जिसकी तूने वीडियो वायरल करी थी। अबे हाँ, ये तो आज भी मैकेनिक ही है। देखो तुम दोनों ना बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अबे वे बातें मत कर, गाड़ी ठीक कर, हमें जाने दे, चल। वैसे सौरभ मैं क्या कह रही थी, किस्मत भी कैसी चीज है ना, हम लोग सब सेम कॉलेज में पढ़े और आज हमें देख के हम कहाँ हैं और इस फटीचर को देख क्या मैकेनिकरी कर रहा है। अबे हमने पढ़ाई करी है, आगे तो जाएंगे ही। साला गाड़ी ठीक करता था तो गाड़ी ठीक करेगा ना ये, और दिन भर में कितनी गाड़ियाँ ठीक कर लेता होगा और महीने में कितना कमा लेता होगा, 4 से 5 हजार। हमें देख कितनी लेविश लाइफ जी रहे हम लोग। अबे ओ घूर क्या रहे, चुपचाप से अपना काम कर, नहीं तो तेरी औकात दिखाऊं तुझे। क्या औकात औकात लगा रखी है तुमने, तूम दोनों जानते भी हो कौन हूँ मैं। हाँ बहुत अच्छे से, तू है 2 कौड़ी का मैकेनिक जो सिर्फ गाड़ियाँ ठीक करता है, और तू हमें जानता है हम कौन है, हम कौन सी कंपनी में काम करते हैं, हम आईटी सेक्टर में काम करते हैं, आई समझ, और तेर से तो कई ज्यादा कमाते हैं हम लोग। अच्छा कितने रुपए कमा लेते हो तुम महीने के? हम पूरे 45,000 रुपए महीना, जो कि तेर से कई ज्यादा है, और ये पैसे ना तू 6 महीने में कमाता होगा। अबे 6 महीने में तूने ज्यादा बोल दिया प्रियंका, पूरे साल भर की कमाई भी इसकी 45,000 नहीं होती होगी, साला मैकेनिक कहीं का। देखो मुझे ना अपने मुंह से अपनी तारीफ करना पसंद नहीं है, पर तुम दोनों इतने ज्यादा फोर्स कर रहे हो ना, तो तुमको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मैं कितने रुपए महीने का कमाता हूँ। जब मैं कॉलेज टाइम में पढ़ता था उस टाइम पे हमारा सिर्फ 1 गैराज था, आज के टाइम में हमारे पूरे 10 गैराज है, और उन 10 गैराज पे कम से कम 100 लेबर काम करती है। 1 लेबर को हम महीने का 10,000 रुपए महीना देते हैं, इस हिसाब से मैं 100 लेबर को कम से कम 10 लाख रुपए महीना तो सिर्फ उनकी सैलरी ही बांट देता हूँ, तो इस हिसाब से तुम आइडिया लगा सकते हो कि मैं महीने के कितने रुपए कमाता हूँगा। क्या बात है भाई, वाह मान गए, तेरे को गाड़ी ठीक करने आती हूँ ना आती हूँ, बातें बहुत अच्छी कर लेता है तू। और तू क्या कह रहा था, 100 लेबर? तेरी 1 लेबर तो तेरे साथ आई नहीं, तू खुद मालिक होकर धूप में पैदल आया गाड़ी ठीक करने। ओए अब ना तेरी बकवास सुनने का टाइम नहीं, गाड़ी ठीक कर, पैसे ले और निकल यहाँ से। अरे सौरभ मैं क्या कह रही थी, इसकी औकात होगी 10 गैराज की और 100 लेबर रखने की, पता कैसे, सपनों में। और भाई नितिन तू ना एक काम कर, सबसे पहले तो केमिस्ट की शॉप पे जा, वहां से नींद की गोली खरीद ले, उसे खा के तू सो जाइयो, तेरे को बिल्कुल मीठे मीठे सपने आएंगे, और सपने में तुझे जो भी देखना हो ना वो देख लियो, चाहे 1,000 गैराज का मालिक, चाहे 1,00,000, चाहे 1,00,00,000 का मालिक बन जाइयो। सपने देखने के थोड़ी पैसे लगते हैं। हंस लिये तुम दोनों को पता है तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर क्या अंतर है, सिर्फ एक नजरिए का। तुम लोग मेरे काम को लेके मेरे को जज कर रहे हो, मेरे काम का मजाक बना रहे हो, पर तुम दोनों को असलियत पता है क्या हुआ था, जब तुमने मेरे गैराज के अंदर कॉल किया था, मैंने पता करा कॉल करके कि मेरी सारी लेबर बिजी थी और मैं यहाँ पास में था, तो मैंने सोचा कोई आदमी बेचारा परेशान हो रहा था, मैं जाकर हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है। पर मैं जब तुम्हारे पास में आया, तुम्हारा कॉलेज टाइम से लेके आज तक का बिहेवियर बिल्कुल सेम है, तो मुझे पता चला 45,000 रुपए महीना कमाने वाले लोग 45,00,000 रुपए का एटीट्यूड रखते हैं। और हाँ प्रियंका, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई है, चलता हूँ मैं। और हाँ, जो तुम मेरे को गाड़ी ठीक करने के पैसे देने वाले हो ना, उन पैसों को तुम ही रख लेना, क्योंकि तुम्हें उनकी ज्यादा जरूरत है, कॉलेज टाइम से लेके आज तक तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं हुई है, किसी अच्छे मिस्त्री से जाकर दिखवा लेना। और हाँ, अगर मिस्त्री को पैसे देने के लिए ना हो ना, तो पास में ना मेरा गैराज है, वहां आ जाना, तुम्हारी गाड़ी फ्री में ठीक करवा दूंगा, चलता हूँ मैं।